आपने एक बात ये बात कही थी कि जो शून्य की बात है कबीर की वाणी में, वो शबनम जी, दो बातें मेरे दिमाग में बड़ी साफ हैं। एक मिनट, मैं फैन ऑफ कर सकती हूँ? हाँ आपको थोड़ा हाँ पसीना ना ना छुटवा चलेगा। दूँ? हाँ वैसे ही छूट रहे हैं। मजेदार। असल में जब हम ये कहते हैं कि कबीर एक साधक के रूप में शून्य हो गए, शून्य से क्या, शून्य से अर्थ है जिसका संसार खो गया, जिसकी इच्छा खो गई, जिसकी वासना चली गई, जिसका कल चला गया, जिसका भविष्य चला गया, जो केवल एक नित्य वर्तमान में अभी और इसी क्षण में और इसलिए शाश्वत में और अनंत में एक साथ जानता और देखता है। जो क्षण में है वही सनातन में भी हो सकता है, जो अतीत में है वो नहीं हो सकता, जो भविष्य की काल्पनिक आशा में है वो भी सनातन में नहीं हो सकता। वर्तमान तो आदमी केवल चूकता है, अतीत में है स्मृति, मनुष्य के पास या तो स्मृति है तो वो एक गए हुए समय की स्मृति में वर्तमान को चूक जाता है, या ऐसे लोग हैं जो भविष्य का आने वाला एक काल्पनिक समय जो आया नहीं है केवल उसकी आशा में जीते रहते हैं और वर्तमान चूक जाते हैं। एक एक साधक जो है वो खुद को क्षण में और इसलिए अनंत और कालातीत में पाता है। पर इसका शून्य से हाँ, दरअसल शून्य हो जाना किसी आदमी का क्या होता है, एक साधक की शून्यता का अर्थ है जो वर्तमान में है और अतीत से मुक्त हो चुका है, जो वर्तमान में है और भविष्य से मुक्त हो चुका है, जिस आदमी की इच्छा और वासना और मन का संसार विदा हो चुका है, जो आत्मा के सत्य में स्थिर है ना। आत्मा कभी कोई इच्छा नहीं करती, कोई वासना नहीं करती, वो सत्य का निवास है केवल, है ना। और जो आत्मा को जानता है वो एक अर्थ में सृष्टि को भी जानता है, क्योंकि पिंड और ब्रह्मांड में एक ही सत्य निवास करता है। वो एक ऊर्जा है, एक निराकार ऊर्जा, लेकिन ऋत के नियमों में बंधी हुई, जिससे सारा संसार कुछ एक एक अपनी ही नियमबद्धता में चल रहा है। रित वेदों में ये शब्द आया है, ऋत का अर्थ होता है, अगर मैं आज की भाषा में आपसे कहूं, वो परम नियम जो इस सृष्टि को चलाता है, ऊर्जा के चलने के, जगत के चलने के, सृष्टि के चलने के अपने नियम, वो ऋत। उस मर्यादा में, उस धर्म में हर चीज बंधी हुई है, ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, वे एक ऋत में बंधी हुई है ना। ऐसा ही मनुष्य की आत्मा का एक ऋत है, एक उसका अपना स्वभाव है, इस अर्थ में उसका अपना एक धर्म है, जो अपने धर्म को उपलब्ध हो गया, बाहर के धर्म उसी क्षण विदा हो जाते हैं। जो आत्मा में चला गया उसके मंदिर भी छूटते हैं, देवता भी छूटते हैं, शास्त्र भी छूटते हैं, केवल अपना ही दृष्टा सदगुरु जो है वो बचता है। इस साधक को, इस स्थिति में पहुंचे साधक को शून्य कहा है, शून्य है।